We will start fight. Before this, I have sent one video about tectonic plates. You have to see that video carefully and then listen it so that you can understand the fault. देखिए हम वहां उस वीडियो में भी हम बताए हैं कि फॉल्ट पैदा होने के दो कारण हैं, आइदर कॉम्प्रेशनल फोर्स और टेंशनल फोर्स। ये फोर्स कहां से पैदा हो गया? ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। उस वीडियो में हम बताए किस किस टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है, स्थलों इस पर रहता वहां पे जो रॉक्स है मोल्टन स्टेट में है, वो प्लास्टिक स्टेट में रहता है, उसके ऊपर प्लेट मूवमेंट करता है, सब हम मूवमेंट भी दिखाया है। ये कोल्सिम है, हम माइस वाले इसलिए हम कोल्सिम लिया, रॉक बेड भी हो सकता है, सिर्फ कोल्सिम में फॉल्ट नहीं, रॉक बेड में भी होगा, कोल्सिम में फॉल्ट होगा। ये मेरा क्या है? कोल्सिम है। इस कोल्सिम के ऊपर मान लो इतना बड़ा है, ये 5 किलोमीटर लंबा है, कितना लंबा है? 5 किलोमीटर लंबा है। और कोई एक पोर्शन पे क्या हुआ? ऐसा फोर्स लगा के, इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? ऊपर से ऐसा दबाएगा उसको क्या बोलते हैं? कंप्रेशनल फोर्स। कंप्रेशनल फोर्स रहे क्या हुआ? ये पोर्शन टूट करके इससे अलग हो जाएगा, ठीक है। हो सकता कि ये जो सीम है इसके ऊपर टेंशनल फोर्स लगेगा, ऐसा खिंचाएगा, तो खिंचाएगा भी तो कहीं ना कहीं चांस कमजोर होगा, वहां से क्या होगा? टूट के अलग हो जाएगा। तो फॉल्ट में होता क्या है? ये कोल्सिम था, देखो इसके ऊपर फोर्स लगा, क्या हुआ? ये कोल्सिम का एक भाग यहाँ रह गया, दूसरा भाग कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। मतलब क्या देख रहे हैं आप? इसको फिगर को देख के आप क्या बोल रहे हैं? इस फिगर को देख के आप क्या बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोल्सिम और डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक बेड, लेकिन किसके सारे अलोंग ए फ्रैक्चर प्लेन, इसका फॉल्ट। देखिए आपका ये वाला भाग कहां पर था? यहां था, यहां था ना, यहां पे कंप्रेशनल फोर्स लग गया, तो क्या हुआ? ये मान लो इसके ऊपर ऐसा लगा होगा, हम बोल रहे हैं ऐसा लगा होगा, तो क्या हुआ? ये टूट करके नीचे की तरफ आ गया। क्या हुआ यहां? कोल्सिम में क्या हो गया? कोल्सिम या रॉक बेड में क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक बेड और कोल्सिम अलॉन्ग ए फॉल्ट प्लेट इज नोन एज फॉल्ट। देखिए ऐसे डिफरेंशिएशन यहां लिखा है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं लिखा। देखिए डिस्प्लेसमेंट हट जाना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक बेड और कोल्सिम अलॉन्ग ए फ्रैक्चर प्लेट, ये क्या है? फ्रैक्चर प्लेट, इस प्लेन के या इसी फ्रैक्चर प्लेन को फॉल्ट प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉल्ट प्लेन, हम आगे देखेंगे, इज कॉल्ड फॉल्ट। अब देखिए फॉल्ट के लिए तो दो फोर्स बताए, कंप्रेशनल और टेंशनल। तो वो जो कंप्रेशनल फोर्स है या टेंशनल फोर्स है, उसका वैल्यू जो है, उसका ताकत जो है, वो किससे ज्यादा इंच? यहां जो ये कोल्सिम है या रॉक बेड है, इसके ताकत से जब ज्यादा लगेगा तब ही क्या पैदा होगा? फॉल्ट पैदा होगा। देखिए वही बात क्या लिखा, इट मतलब फॉल्ट। इट ऑकर्स व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ कोल्सिम और रॉक बेड इज इनसफिशिएंट टू विदस्टैंड द स्ट्रेस ड्यू टू अर्थ मूवमेंट। जो टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहा है, उस टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण जो कंप्रेशनल फोर्स या टेंशनल फोर्स पैदा हो रहा है वो ज्यादा हो गया बनिस्बत इस कोल्सिम या रॉक बेड के स्ट्रेंथ से, तब उसमें क्या पैदा कर देगा? डिस्प्लेसमेंट कर देगा, ठीक है। देखिए इट का मतलब है फॉल्ट, इट इज कॉज ड्यू टू कंप्रेशनल एंड कंप्रेशनल और टेंशनल, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो कंप्रेशनल होगा या टेंशनल फोर्स होगा, ठीक है। उसके चलते क्या पैदा हो जाएगा आपका? फॉल्ट पैदा हो, ये फॉल्ट डिस्क्राइब द फॉल्ट, तो एक फिगर बनाएगा, ये फिगर पूरा नहीं है जो उसको बता रहे, ठीक है। तो ये दो तीन सेंटर लिख दीजिएगा। अब देखिएगा ये क्या आपका फॉल्ट प्लेन है, ये वाले क्या बोलते हैं? ये वाला आपका जो है फॉल्ट प्लेन है। अब ये कोल्सिम का ये ऊपरी भाग हुआ और इसका ये ऊपरी भाग हुआ, तो देखिए इसको हम पहले से इसलिए नहीं बनाए क्योंकि पहले बना देते तो आप लोग को समझने में दिक्कत होता, उसे समय तो बचता है पक्का, ठीक है। तो और नीचे आना चाहिए जब ना 100% होगा।
देखिए मेरा सिम यहाँ था है ना, ये जो डॉक्टर दिखाई है ना सिम था, ये तो टूट के यहाँ आ गया, आया ना डिस्प्लेसमेंट के चलते यहाँ हुआ, तभी ना फॉल्ट हो रहा है। तो यहाँ था, अब कहाँ आ गया आपका यहाँ, तो इतना क्या हुआ, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्या हुआ, कोल सिम है या रॉक बेड है, तो इसमें क्या ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये वाला जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं थ्रो। क्या बोलते हैं बाबू इसको, थ्रो। कोई बहुत बड़ा डिफरेंशियल लिखना है क्या जी, कल आप पूछता डिफाइन द थ्रो क्या लिखेंगे। ये सिम यहाँ था उसके बजाय यहाँ आ गया, तो देखिएगा इसका टॉप ऐसा रखेगा। कोई एक पुस्तक हम देख रहे थे उसमें यहाँ से यहाँ दिखा दिया था, ठीक है वो गलत है, ऐसा हुआ रहता है, ठीक है वो भी हम क्लियर करते करते कहीं कहीं चलते हैं। तो ये क्या है, ये इसको बोल रहे थ्रो, ये क्या है, आप रेगुलेशन का पुस्तक पढ़ते हैं जिसमें थ्रो का अमाउंट बताना होता है कि कितना थ्रो है, ठीक है, और हेड बताना होता है जो हमें आगे बताएंगे। ये हुआ थ्रो, ये क्या है, ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक बेड और कोलसिम। कोलसिम हम बार बार इसके बारे में, कोयला खदान में बहुत सारा माइनिंग का बच्चा रुक जाता है, इसलिए कोलसिम बोल रहे हैं। सिर्फ कोलसिम में ही फॉल्ट होगा ऐसा नहीं है, रॉक बेड में भी होता है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक बेड और कोलसिम इज नोन एज थ्रो, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अब थ्रो को ऐसा दिखा दीजिए, ये स्केल रखिएगा ऐसा, खट से ऐसा खींचेगा यहाँ कीजिएगा, और ऐसा एरो भी लगता है, उल्टा उल्टा बनाते, ऐसा ना एरो बनेगा बाबू। ये हो गया थ्रो, व्हाट इज थ्रो, थ्रो इज अ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक बेड और कोलसिम। हमारे ऑनरेबल सर थे, यू आर स्ट्रंगर सर, वो बहुत बढ़िया से हमको समझाए थे, तो उन्हीं का देन है, हमको हमारा कोई देन नहीं, उन्हीं ने समझाए थे, इसलिए आप लोग को समझा रहा हूं। अब यहां पर देखिएगा ये, और यहां से ऐसा स्केल लीजिएगा तो ये आ गया वन जी ऐसा, तो इसको बोलते ह्यू। अब बता रहे इसको भी क्या होता है, ठीक है। ये क्या हुआ है, आपका सीन यहां था ना जी, था मतलब ये इसको हमें दिया ऐसा लाते, तो यहां था और ये कहां चले गए, इधर चले गया, इतना क्या हुआ, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये क्या हुआ, हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक बेड और कोलसिम इज नोन एज हिव। कोई दिक्कत है, सिंपल भाषा में तो बोल रहे हैं, थोड़ा उसको ध्यान देना। और ये वाला भी एक चीज देख रहे हैं, एंगल बन रहा है ना जी, बनना नहीं, क्या बना, एक एंगल बना जिसको मान लो हमने नाम दे दिया थीटा, ठीक है। ये एंगल किसके बीच में बताओ, अरे फिगर देख के डेफिनेशन बोलते हैं ना चीज़, ये थ्रो है या वर्टिकल प्लेन, थ्रो बोल सकते हैं या वर्टिकल प्लेन, और ये क्या है आपका फॉल्ट प्लेन, ये तिरछा वाला क्या है फॉल्ट प्लेन। एंगल बिटवीन वर्टिकल प्लेन एंड फॉल्ट प्लेन इज नोन एज हेड, क्या बोलते हैं इसको, हेड, HADE हेड, ये एंगल है कि फॉल्ट प्लेन और वर्टिकल प्लेन, या वर्टिकल प्लेन बोल गए तो थ्रो लिख दीजिएगा, एंगल बिटवीन थ्रो एंड फॉल्ट प्लेन इज नोन एज हेड। कोई सिंपल सा बात है कि नहीं, क्या बोल रहे हम, ये वर्टिकल प्लेन और ये फॉल्ट प्लेन के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम हेड बोल रहे हैं, ये जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको ह्यू बोल रहे हैं, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कोलसिम में उसको थ्रो बोल रहे हैं। इतना ही ना है जी, इतना टर्मोलॉजी क्लियर हुआ। अब इसके बाद और एक दो टर्मोलॉजी को हम लेते हैं, हैंगिंग वॉल, फुट वॉल, ठीक है, और ये फॉल्ट प्लेन को लेते हैं, ठीक है। आधा मिनट वेट कीजिएगा।